0-0-0। दोस्तों सूर्य कुमार ने यह रिकॉर्ड को अपने नाम किया और दोस्तों 3 गोल्डन डक अपने नाम कर लिया है। दोस्तों रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है और दोस्तों क्या है वो रिकॉर्ड जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आप भी जानना चाहते हो कि आखिरकार यह रिकॉर्ड क्या है। दोस्तों यह जानने से पहले आप भी सूर्य कुमार को अच्छे खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सूर्य कुमार यादव जो कि न चाहते भी रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। दरअसल सूर्य कुमार यादव क्रिकेट इतिहास में ऐसे बल्लेबाज बन गए जो कि लगातार 3 मैचों में पहली ही गेंद पर आउट हुए हैं। यानी कि दोस्तों लगातार 3 मैच में 0 पे आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में टीम इंडिया को 21 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिसे भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव जो कि न चाहते हुए रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। दरअसल सूर्य कुमार यादव क्रिकेट यादव पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जो कि लगातार 3 मैचों में पहली गेंद पे आउट हुए हो। अगर दोस्तों देखा जाए तो खिलाड़ियों की लाइफ में इस तरह की उतार चढ़ाव देखने को मिलते ही रहती है। लेकिन दोस्तों बहुत से महान क्रिकेटर के साथ भी ऐसा हो चुका है, वे कई बार सीरीज में गोल्डन डक पर आउट हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों आगे चलकर सुपरस्टार बनने इसमें सबसे बड़ा नाम शामिल भी है। दोस्तों महान क्रिकेटर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का भी नाम इस रिकॉर्ड में शामिल है। आपको बता दें कि साल 1994 में सचिन तेंदुलकर के लगातार 3 मैचों में 0 पे आउट हुए थे, जिसके बाद उन्होंने शतक जड़ कर जबरदस्त वापसी की थी। वहीं बाद में उन्होंने 5 मैचों में लगातार 550 जड़ कर आलोचकों को करारा जवाब भी दिया था। इतनी ही नहीं सचिन टेस्ट में भी लगातार 2 बार 0 पे आउट हुए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सूर्य कुमार अपनी गलतियों को सुधार कर सीख जाएंगे और सचिन का उदाहरण लेकर खुद फिर से साबित करेंगे। लेकिन दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरे मैच में सूर्य कुमार यादव लगातार 3री बार आउट हुए, वही पहली गेंद पर। और दोस्तों ऐसा करने वाले भारत के 6ठे खिलाड़ी बन गए, यानी कि दोस्तों विश्व का नंबर 1 बल्लेबाज जो कि शून्य पर लगातार 3 डक अपना रिकॉर्ड नाम कर लिया है। लेकिन दोस्तों इस सूर्य कुमार के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर दें और वीडियो देखकर बिकना बिल्कुल ना भूलें।